आज हम नालंदा जिला के हिलसा के अंतर्गत योगीपुर पंचायत के यारपुर गांव के लालसी बिघा टोला में हैं, जहां पे ग्रामीणों की समस्या है कि इस गांव में टोला होने के कारण कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आते हैं और यहां पे रोड नहीं बना, जिसके कारण आवागमन में काफ़ी दिक्कत है। ये तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इन्हें आने जाने की काफ़ी समस्या है। या आइए जानते हैं ग्रामीणों से। बताइए धर्मेंद्र जी, क्या समस्या है आपके गांव में? जी यहाँ समस्या यही है कि कोई विधायक जी हो या हमारे बिहार सरकार इस गांव में आते तो दूर देखने का भी कोशिश नहीं करते हैं। मुखिया कल के कार्यकाल में क्या विधायक जी आपके गांव नहीं आए? जी नहीं आए हैं और कोई मुखिया भी आज तक नहीं आए हैं। आपके मुखिया कौन है? हमारे मुखिया चंद्रमानी मुखिया जी हैं। क्या कहते हैं वो? अरे गांव का हम तो दूर, गांव का एक भी कोई भी आदमी नहीं उनको चिन्हते हैं। प्लस भी जानते हैं आखिरकार क्यों नहीं रोड बना, इसका कारण क्या है? आप लोगों ने आवेदन नहीं दिया, लोग नहीं आए? आवेदन दिया, वोट भी दिए, सब कुछ तो हम नहीं दे रहे हैं। न पानी है, न कुछ है, न रोड है। प्रतिदिन विधायक कहीं ना कहीं उद्घाटन कर रहे हैं, आप यहाँ इस गांव में नहीं किए कुछ? कुछ नहीं, नहीं किया सर। इस गांव में नल जल योजना मुख्यमंत्री का सात निश्चय योजना का चल रहा है, क्या है? हम लोग किसी योजना का जानवे नहीं करते हैं कि कौन विधायक है कौन मंत्री है, जो हमारा विधायक कौन है जो आप ही बताइए, मीडिया वाले कौन हमारा विधायक है? विधायक कौन है? अरे हमारा कहा जानते हैं सर कि हम विधायक हैं, विधायक का भी देखी ना है, विधायक लेकर कौन है? हम जिम्मे करते हैं कि विधायक हमारे कौन है ना है, जब मर गया विधायक है की जनता मर जाए, नहीं करता रोड कहाँ बना अभी तक। आखिरकार समस्या, आप युवा हैं, आप बताइए कि कितना समस्या होता होगा जाने आने? समस्या तो बहुत होता है सर, यहाँ से जब कोई मरीज रहते हैं तो उनको खटिया पर टांग के 1 किलोमीटर आगे ले जाते हैं, और हमारे विधायक जी के यहाँ बहुत आवेदन लिखे, बहुत गए हैं तक का ये रोड, 1 किलोमीटर तक का रोड है। जब जाते हैं खटिया पर, जब मरीज रात को रहते हैं तो उनको ले जाते हैं, और जब बोलते हैं विधायक जी को तो खाली चेतावनी देते हैं कि ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, अभी तक हो ही रहा 5 साल में। एक बुजुर्ग भी है, कितना समस्या होता होगा कि रोड नहीं है, बारिश के समय में रोड है जो गीला हो जाता है, और बगल में नदी भी है, नदी में जबकि चकाचक नदी बना हुआ है, बच्चा इसमें गिर भी सकता है, बैरिकेडिंग नहीं है, गिर सकता है, मर सकता है, लेकिन कोई ध्यान थोड़ी दिया। तो इस पे गांव वालों की क्या पहल है इस पे अब तक? अरे गांव वालों से तो है कि बन जाओ, लेकिन अब कोई अब ना खरा तो करा क्योंकि बन जाए। आप इस पे क्या कहिएगा? हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री का जो सात निश्चय यात्रा है योजना, उसमें कोई भी काम प्रगति पर नहीं है, न सड़क है, न नल जल वाला योजना भी, वो भी है। और मुख्यमंत्री डेली अनाउंस करते हैं कि मेरा सात निश्चय यात्रा पूरा बिहार में कंप्लीट हो गया इस महीना तक, और बहुत सा काम है जिसमें हुआ नहीं काम, ऐसे अपना मर्जी पेपर वर्क करते जाता है। आप बताइए दादाजी क्या कहिएगा आप इस पर? बनेगा ही आया रोड का मार्ग ले गिर के बाबा। आप गिर गए हैं अभी? हाँ एकरा में बाबू गिर गए। बैरिकेडिंग बातचीत अभी कर रहे थे कि बैरिकेडिंग नहीं है, अगर जमीन गीला होगा बाबू कहियो न कभी नहीं, कभी न बाबू कहियो न। तो जब बारिश हो जाता है, जब गीला हो जाता है तब कैसे? पिछुलवा में का गिर गई बेटा, नदी में गिर गया है। इसमें तो बच्चे भी खेलते होंगे तो काफी दिक्कत। बाबू कैसा लगता है जब आप खेलते हैं और इसमें गिरने का डर हो? लगता है डर? आप बताइए सर, यहाँ 10 फुट भी पड़ जाता है तो मोटरसाइकिल आदमी को पैदल जाने तक आदमी को समस्या कि पैदल नहीं जा सकता, इतना पाका है, पानी है सर, हो जाता है तुरंत 10 फुट में। आदमी यहाँ से 1 किलोमीटर रोड देख रहे हैं सर, 1 किलोमीटर तक कितना परेशानी है, रात में इमरजेंसी पड़ता है, गाड़ी तक नहीं आता, हम लोग छिटपिटा का टांग के हम लोग फिर ले जाते हैं रोड पर, तब ये व्यवस्था होता है जाने के सर। तो हम लोग के लिए आवेदन कहीं गए? हाँ सर किए हैं, विधायक जी ही किए, हम लोग कई एक बार किए हैं, एक बार यहाँ साल एक साल पिछला साल यहाँ आते भी हुआ था, कुछ भगवान का थी हुआ था, उसमें वो आए थे, बुलाए थे सभी लोग, कहा तो वो बोले कि हम लिख के दे दिए सब कुछ कर दिए, अभी लगी ना कोई यहाँ नापी में आए ना कुछ, कोई ऐबे नहीं किया मिले कि हाँ रोड बनेगा कि ना बनेगा। टोला होने के कारण गांव पिछड़ा? हाँ सर, हाँ हाँ टोला ही, टोला ही होने के कारण सर। चलिए इधर इधर आइए, ना काल है ना नली है ना कुछ है, और कुछ बोले का वो हमने के मुखिया भर दिए तो छीना हथे चरण मुखे जी के कहा कहते मुखिया जी कुछ ना बोल नहीं हम जानते हैं कुछ ताकि आए ना कोई आए ना मुखिया जी के कई बार तो गेलखिन एक तरह गेलखिन कुछ ना अरे कौन ना नल ले गल सब घर ने पानी मारा है
जगह सबके घर के बिहार के बड़े दिक्कत होता है सर वही जो पकड़े पकड़े वैसे वैसे भट्टी।